एवरीवन गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तो जी आज है दिन मंगलवार का और अभी जो है ना रात के आठ बजे का टाइम है और बस अभी जो है ना मैं आई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए तो आपको पता है नाइट में मुझे बहुत हल्का फुल्का सा खाना बनाना होता है बहुत ज़्यादा मतलब हैवी खाना मैं कुछ बनाती नहीं हूँ तो बस मैंने दाल जो है वो बॉइल करने के लिए चढ़ा दी थी पहले ही और मसूर की दाल होती है ना लाल वाली मसूर की वो दाल मैंने बॉयल की है क्योंकि नाइट में वही आपको पता है कि हम लोग तो सिर्फ दाल खाएँगे बच्चे दाल और रोटी खा लेंगे तो दाल एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में भी टेस्टी लगती है तो बस उधर जो है दाल वगैरह मैंने बॉईल कर दी है वंची का घर पे नहीं है वो गई है अपने पापा के साथ डॉक्टर के पास तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिछले हफ्ते उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी ट्यूसडे की बात है तो फिर हमने उसको डॉक्टर को दिखाया था तो फिर आज उसको अगेन चेकअप के लिए जाना था तो बस वैसे वो ठीक है पूरी तरीके से लेकिन डॉक्टर बोलते हैं ना कि एक हफ़्ते बाद फिर से मिलिएगा तो बस इसीलिए वो अपना चेकअप कराने के लिए गई है विदांश अंदर बैठ के टीवी देख रहा है और मैं जल्दी से जो है खाना बना देती हूँ अब जल्दी से दाल में तड़का लगा लेते हैं तो तड़के के लिए सबसे पहले मैंने घी लिया है और जैसे ही घी मेल्ट हो गया मैंने जीरा और हींग ऐड कर दिया है अब इसमें एक जो प्याज होता है मीडियम साइज का वो मैंने बारीक कट कर करके ऐड किया है और इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता और जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं टमाटर और हरी मिर्च जिसको कि मैंने बारीक चॉप कर लिया था अब इसमें ऐड करेंगे बेसिक मसाले नमक मिर्च हल्दी धनिया गर्म मसाला पाउडर और बस इसको अच्छे मिक्स करेंगे और जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा इसमें से घी अलग हो जाएगा तो मसाला भुन चुका है देखिए अब इसमें दाल ऐड कर देते हैं और दाल ये इतनी अच्छी ना कि एक सीटी में ही ये बॉईल हो जाती है और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर दिया है और बस यहाँ पर दाल हो चुकी है फ्राई और फ्राई करने के बाद मैंने थोड़ा सा किचन वग़ैरह क्लीन कर लिया था क्योंकि प्याज़ वगैरह चॉप करते हैं ना तो थोड़ा बहुत काउंटर टॉप पर गिर जाते हैं तो वही होता है ना एक हैबिट सी होती है कि जितनी बार आपने काम किया उतनी बार आपको काउंटर टॉप पर एक बार कपड़ा जो है वो मारना ही मारना है तो बस वही हैबिट बनी हुई है उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म, गर्म रोटियाँ तो बच्चे वेट कर रहे हैं खाना खाने का और आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है डिनर बनने में वरना तो इस टाइम तक मैं बच्चों को खाना खिला देती हूँ किसी भी हाल में स्पेशली तब जबकि नेक्स्ट डे उनका स्कूल होता है बट चलिए कोई बात नहीं कभी कभी थोड़ा बहुत जो है टाइम में चेंज होता रहता है तो जी खाना बन के हो गया है तैयार रोटियां मैंने बना ली है और दाल भी बिल्कुल रेडी है और वंशिका ने ना आती अपने लिए चावल बनवाए तो वंशिका अभी आई है दस मिनट पहले क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने बोला है कि वंशिका अब ठीक है बिल्कुल थोड़ा सा दो तीन दिन की मेडिसिन उसको और लेनी है और अभी उसने आते ही पूछा कि खाना क्या बनाया है और मैंने बोला ना दाल तो उसने बोला मुझे चावल खाने और आज दोपहर में भी उसने चावल नहीं खाए थे ना तो फिर होता ही है उसको ना क्रेविंग होती है चावल की तो मैंने चावल भी बना दिए तो ये मैडम जी को ना चावल खाने होते हैं क्योंकि क्योंकि मम्मी की तरह है ना ये मुझे भी चावल बहुत पसंद है मतलब सुबह दोपहर शाम तीन टाइम में से एक टाइम चावल जरूर चाहिए चलो खाना खाने चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ बेटा बाद में कर लेना क्लीन आ जाओ आ जाओ वंशिका वेदांश हाँ आ जाओ आ जाओ जल्दी आओ मिल गया दाल चावल का कैसे सुकून मिल गया और कमी नहीं होया हां जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून मिल गया अच्छा रोटी में नहीं मिलता क्यों पूरे टाइम रोकते खाते खाते बहुत चावल जल्दी मेरा काम नहीं चलता और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग मतलब कि बुधवार की, की मॉर्निंग और इधर जो है वही मॉर्निंग में सामान आया है मिल्क वगैरह तो बस उसको निकाल लिया है मैंने और मिल्क ना पहले तो मैं लेती थी मैंने मिल्क लगाया हुआ था लेकिन फिर क्या होता है ना कि दो चार दिन तो जिनसे मिल्क लगाओ वो ठीक से दे देते हैं लेकिन उसके बाद क्या होता है फिर वही पानी वानी वाला मिल्क आने लगता है तो फिर मैंने अभी बंद करवा दिया है और मैं जो है ना मिल्क बास्केट से ही लेने लगी हूँ साथ ही साथ मैंने सुबह के लिए सब्जी मंगवाई हुई थी तो मैंने ना भरते के बैंगन मंगाए थे और साथ में जो फूल गोभी होती है वो मंगवाई थी तो आज जो है मैं फूल गोभी बनाने वाली हूँ नाश्ते में क्योंकि इनको भी ऑफिस जाना है बच्चों को भी स्कूल जाना है तो टिफ़िन में उनको जो है सब्ज़ी रोटी मैं दूंगी और बच्चों के लिए सब्ज़ी और पराठे मैं बनाऊँगी तो आलू गोभी के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं और यहाँ पर बस मैंने पूरी गोभी को कट कर लिया है साथ में इसमें मैंने दो आलू भी कट कर लिए हैं अब जो है यहाँ पर मैंने आयरन की कढ़ाई ली है उसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल थोड़े से राई के दाने थोड़ी सी हींग ऐड करूँगी मैं इसमें और अब ऐड कर दूंगी सब्ज़ी टमाटर मैं इसमें नहीं ऐड करूँगी वो मैं सबसे बाद में ऐड करती हूँ फ़िलहाल इसको मैं ऐसे ही फ्राई करूँगी और हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे मसाले और मसालों में मेरे पास जो धनिया पाउडर है वो हो चुका है ख़त्म और नाइट में भी मैं मंगाना भूल गई एक्चुअली कभी कभी तब याद आता है जब आप सामने वो जो मसालों का डब्बा होता है ना उसको खोल के देखते हैं तब आपको पता चलता है यार ये तो ख़त्म हो गया है तो नाइट में भी ऐसे ही था बस ध्यान ही नहीं आया तो इधर जो है सब्ज़ी मैंने कर दी है फ्राई उस सब्जी फ्राई करने के बाद अब टाइम आया है मेरा वो पानी वानी पीने का जो कि सुबह उठ के मैं पीती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे ना ये मैं सुबह नींबू और शहद का पानी पीती हूँ ना तो धीरे धीरे मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ाती रहती हूँ मतलब एक ग्लास से मैं शुरू करती हूँ और उसके बाद फिर दो से तीन चार ग्लास में आराम से पी लेती हूँ सुबह उठ के तो पानी वानी पीने के बाद इधर सब्ज़ी भी जो है ऑलमोस्ट बन चुकी थी तो मैंने इसमें टमाटर और साथ में लहसुन हरी मिर्च चॉप की थी तो उसको जो है ऐड कर दिया है अभी फिर एक दो मिनट तक सब्ज़ी पकाएँगे और इधर शुरू कर दिया है बच्चों को उठाना तो इनसे सुबह उठा ही नहीं जाता है मतलब रूम से उठाएंगे तो ये आके सोफे पे लेट जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है दस पंद्रह मिनट तो बच्चे ऐसे ही ले लेते हैं जब तक मतलब डांट नहीं पड़ती ना तेज़ी से नहीं बोलो तब तक ये लोग मतलब सुनते ही नहीं हैं तो सारे बच्चों का यही हाल है एक कॉमेंट भी आया था कि क्या दी आपके बच्चे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते क्या कभी ऐसा होता है कि आप शाम को उनके पापा से शिकायत लगाओ या आपको बहुत गुस्सा आता हो तो हाँ सब कुछ होता है मेरे साथ भी बच्चे कभी कभी इतना ज़्यादा लड़ाई करते कि पूछिए मत मैं भी वेट करती हूँ कि इनके पापा से इनकी शिकायत करूँगी थोड़ी देर के लिए बच्चे मान जाते फिर मतलब बाद में फिर उनका सेम वही हो जाता है बच्चे कहाँ डांटोगे आप उसी टाइम पर दस मिनट बाद वो अगेन से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं तो ये तो हर घर की कहानी है और मेरे घर में तो ये डेली चलता है ये दोनों आ, मतलब पाँच दस मिनट तक आराम से बैठे रहते हैं और बातें करते करते कब इनकी लड़ाई हो जाएगी ना खुद ही पता नहीं चलता है तो ये तो हर घर की कहानी है तो फाइनली यहाँ पर जो है विदांश और वंशी का नहाद हो गए हैं जल्दी से इनको रेडी कर देती हूँ और आज है बुधवार तो इनकी हाउस ड्रेस होती है तो दोनों के अलग अलग हाउस हैं तो बस हाउस ड्रेस इनको पहना दी है और अब बच्चों को तैयार व्यार करने के बाद इनको मैं कराऊंगी नाश्ता उधर मैंने इनके लिए पराठे भी बना दिए थे और साथ ही साथ जो है आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी तो टिफ़िन वगैरह भी मैंने इनके पैक कर दिए हैं और बस आज ना मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया था इस वजह से मैं मतलब टिफ़िन आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि आज वाकई मेरे को लेट हो गया था और लेट हुआ बच्चों की वजह से क्योंकि दस पंद्रह मिनट इनको उठाने में लगे तो जब ये करते हैं ना थोड़ा सा उठने में तो फिर सारा टाइम ऐसे ही हो जाता है तो यहां पर बच्चे जा चुके हैं स्कूल न चले गए हैं ऑफ़िस और अब बारी आती है मेरे घर को क्लीन करने की तो फाइनली अब मैं अपना पूरा घर अच्छे से क्लीन करूँगी और बस अभी मैं देख रही हूँ कि ये जो डाइनिंग टेबल के ऊपर मैंने छोटी छोटी सी बर्नियाँ रखी है ना तो इनमें से अचार मतलब ख़त्म ही हो गया था तो मैं हटा रही हूँ सारी चीज़ें और ये जो टेबल पर प्लांट रखा है जिसको कि आप हमेशा पूछते हो कि यह असली है कि नकली है तो आप खुद ही देख लीजिए ये बिल्कुल रियल प्लांट है और ये लकी बैम्बो है तो बहुत हल्का सा पानी मैं इसमें डालती हूँ और बस इसको जो है इस तरीके से टेबल पे ये लगा रहता है तो अच्छा हरा भरा रहता है अभी तक तो ये ठीक ही चल रहा है तो बस इसका पानी वगैरह मैंने चेंज कर दिया है उसके बाद ये टेबल वगैरह मैं क्लीन कर देती हूँ और आज फाइनली सारी बर्नियाँ मैंने यहाँ से हटा दी है क्योंकि सब में ये अचार ख़त्म हो गया था एक में बचा है आम का अचार तो उसको यहीं पर रहने देते हैं और आप लोगों का कमेंट भी आए थे कि दी टेबल ना थोड़ा सा खाली कर दो बहुत ज़्यादा मैसी लगता है तो आज फाइनली खुला खुला सा टेबल लग रहा है और यहाँ पर टेबल मैट जो है मैंने बिछा दिए हैं जो कि मैं लेकर आई थी डी मार्ट से और ये मेरी टेबल के साथ बहुत अच्छे से मैच करते हैं और अच्छे भी लगते हैं बिछा करना तो बस यहाँ पर मैंने कर ली है टेबल की डस्टिंग अब बारी आती है अपना सोफ़े की डस्टिंग करने की सोफ़े में रखे हैं ढेर सारे कुशन तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि यहाँ पर ना कुशन ही बिठा लो यहाँ पर इंसानों के बैठने की जगह तो है नहीं बस कुशन ही कुशन रखे और मेरा क्या होता है ना कि मुझे सोफ़े पर कुशन बहुत ज़्यादा पसंद आते तो फिर मैं बोलती हूँ कि ठीक है आप मत बैठो मेरे कुशन ही यहाँ पर बैठेंगे और जबकि वो भी बिना कुशन के बैठते नहीं है तो बस ऐसे ही चलता रहता है मतलब हस्बैंड वाइफ में भी नोकझोंक होती रहती है तो इधर जो है सारी क्लीनिंग हो चुकी है अभी बारी आती है किचन समेटने की तो बस जल्दी से किचन में समेट रही हूँ बर्तन वगैरह थोड़ा सा लेट वॉश करूँगी मैं फिलहाल बस ये जो थोड़ा बहुत काउंटर टॉप पर गिरा रहता है सामान उसको जो है मैंने साफ़ कर लिया है क्योंकि उसके बाद फिर झाड़ू लगेगी और अब बारी आती है रूम क्लीन करने की तो ये देखिए यहाँ पर कपड़े पूरे फैले हुए हैं और ये कपड़े फैले थे मॉर्निंग में जिस टाइम पे बच्चों के कपड़े वगैरह मैं निकाल रही थी ना उस टाइम पे ये फैले हुए थे इनको समेट के रख दूंगी मैं और बस जल्दी से इस वाले रूम की बेडशीट ठीक कर लूँगी हालांकि इस वाले रूम की बेडशीट तो वैसे ही रहती है एज इट इज़ क्योंकि यहाँ कोई आता ही नहीं है हाँ यहाँ पर जैसे फोल्ड करने के लिए कपड़े वगैरह मैं लेकर आ जाती हूँ तो इसी रूम में रख देती हूँ या फिर कभी मुझे ऐसा लगता है कि बारिश आने वाली है तो कपड़े ऐसे ही मैं ले आती हूँ और इस रूम में फैला देती हूँ तो फाइनली ये वाला रूम भी हो चुका है सेट अब चलते हैं अपने दूसरे रूम की तरफ दूसरा रूम भी मैंने कर लिया है क्लीन और हाँ आप लोग मुझसे बोल रहे थे कि दी आपने बोला था कि मैं अपनी पुरानी वाली कढ़ाई फेंक दूंगी फिर आपने वो अभी तक फेंकी क्यों नहीं है क्योंकि आपने देखा होगा कढ़ाई में मैं काम कर रही थी तो यार मैं फेंकने वाली थी बट आप लोगों में से ही कमेंट आए कि दी फेंकी मत उसको जो है ना फ्राई करने के लिए रख लीजिए जैसे पूरी वगैरह फ्राई करनी होती है ना और अक्सर पूरी वगैरह फ्राई करने में कढ़ाई जल जाती है तो इसीलिए मैंने उसको फेंका नहीं है अभी तक रखा हुआ है तो मुझे मैंने सोचा सही बात है मैं दोबारे से दूसरी कढ़ाई अपनी जो है गंदी करूंगी पूरी वगैरह सेकने में मतलब पूरी जला दूंगी इससे अच्छा है कि ये जली हुई कढ़ाई ही रहने देती हूं तो यही रीजन है कि मैंने अपनी जो पुरानी वाली कढ़ाई है उसको फेंका नहीं है तो चलिए इधर जो है बात करते करते पूरे घर की क्लीनिंग भी हो गई है मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा लिया है और बस इसी के साथ मैं अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूंगी तो ये था मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियोज को लाइक और शेयर करना ना भूलिए गा मैं आपसे मिलती हूं अपने अगले वीडियो में तब तक ले बाय एंड टेक केयर